सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल स्टडीज सेक्शन यानी कि सामान्य अध्ययन सेक्शन के एनालिसिस यहां पर देखेंगे। एलटी ग्रेड परीक्षा आज कंडक्ट हुई 29 जुलाई 2018 को, इसके बारे में बात करते हैं। जीएस सेक्शन के एनालिसिस आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। जीएस सेक्शन में देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और उनके आंसर सही वाले क्या होंगे। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे और राज्य के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिलाएगा राज्यपाल। ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 9, भाग नंबर 9 में बताया गया है इसकी व्यवस्था के बारे में। थर्ड यहाँ पर है कि किस राज्य में तेल शोधन शाला नहीं है, तेल शोधन शाला छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फोर्थ में हमको बताना है कि कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, ऑरेंज रिवर नहीं बहती है, ऑरेंज रिवर ये अफ्रीका की नदी है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। 2011 सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जीएस वाले सेक्शन में, जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है किस राज्य में, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर डिक्रीज इन पॉपुलेशन कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में डिकेडल पॉपुलेशन में कमी पाई गई। आप लोग ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ हम लोग यहीं पर शेयर करने वाले हैं, ओनली यूपीपीसीएस करके ग्रुप है, हम लोग इसमें अभी पीडीएफ शेयर करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हमको जीएस के मिल पाए हैं। जीएस का पेपर पूरा नहीं है मगर जितना मिल पाया है हम आपको बता दे रहे हैं उसके बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, TR मालथस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कारक जो है जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है, यहाँ पर कारक होगा आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर या फिर सिंपली डिजास्टर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। 7वें का हमको बताना है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम यानी कि एक बायोम नहीं है, तो आपको बता दें इकोसिस्टम यहां पर बायोम नहीं होता है, एक से अधिक इकोसिस्टम मिलकर हालांकि बायोम बना सकते हैं, तो रेगिस्तान यहाँ पर एक बायोम हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है और टुंड्रा भी हो सकता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है। 9th में हमको ये बताना है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR जिसको हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं ये कितनी है, ये है 2.2 है टोटल फर्टिलिटी रेट। 10वें में हमको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे महाविभाजन के वर्ष के रूप में देखा जाता है, 1921 को माना जाता है महाविभाजन का वर्ष या फिर कह सकते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आया था। SRI ये विधि किससे संबंधित है, धान से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, SRI। अब 12th में यहाँ पर हमको बताना है कौन सा युग में यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है, धान बंका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही है। 13वें में हमको बताना है यहाँ पर मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी है, इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं हमको। और यहाँ पर 14वें में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर एक तरफ फसल है दूसरी तरफ उसकी वैरायटी है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन से फसल की वैरायटी नहीं बनती है, तो अलसी की चमत्कार वैरायटी एग्जिस्ट नहीं करती है, बाकी सरसों की वरदान एग्जिस्ट करती है, मूँगफली की कौशल और चना की उदय ये सब हमको देखने को मिलती हैं। 15वें की बात करते हैं, 15वें में हमको एक बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता या फिर कह सकते हैं कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से होना चाहिए मीजल्स, यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर बनना चाहिए यहाँ पर मेरे हिसाब से, क्योंकि मीजल्स का ऐसे कोई एंटीबायोटिक्स से इलाज नहीं करते हैं। हाँ, मीजल्स के लक्षणों पर जो रोक लगाने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख सकते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस को अगर अवॉइड करना है मीजल्स में तो उसके लिए यहाँ पर दवाई दी जाती है एंटीबायोटिक के रूप में डॉक्टर के द्वारा, मेन इलाज एंटीबायोटिक से मीजल्स का नहीं होता है, बाकी अगर आपको ज़्यादा पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में अगर मेरा आंसर गलत है तो। 16वें में हमको यहाँ पर सुमेलित एक बार फिर से देखना है, तो एक तरफ यहाँ पर दिया है आविष्कार और दूसरी तरफ आविष्कारक दिए गए हैं, तो हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था सही है, रेडियो का आविष्कार किया था यहाँ पर मार्कोनी ने, कार्ल बेंज ने नहीं किया था, कार्ल बेंज का आविष्कार है कार, ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा सही मिल जाएगा। बैरोमीटर टॉरिसिली सही है, डायनमो यहाँ पर माइकल फैराडे सही है। 17वां यहाँ पर है संचार उपग्रह सदैव क्या रहता है, भूस्थिर रहता है यानी जियो स्टेशनरी रहता है, ठीक है। अब 18वें में हमको बताना है निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर हमारा। ये मैथ्स का क्वेश्चन एक डाल दिया गया था जीएस में, आप इसका आंसर बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ।
2021-22 हमारे मैथ्स के क्वेश्चन थे, अगर आपको आते हैं तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में लिख करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं इसको। करंट अफेयर्स से एक दो क्वेश्चन डाल दिए गए थे। 22 मई 2018 को किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? कई बार आपको बताया जा चुका है विजय प्रहार कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन महिला एकल खिताब किसने जीता था? साइना नेहवाल ने जीता था। ठीक है, साइना और सिंधु ने फाइनल खेला था, यहाँ पर पीवी सिंधु को हरा करके साइना नेहवाल ने जीत लिया था। ठीक है, इसका आंसर साइना नेहवाल होगा, मिशेल ली नहीं होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन भी रहा था, हमने भी इसको थोड़ा गलत बता दिया था शुरू में। इसका आंसर होगा 136वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 136वां स्थान रहा भारत का, इसको ध्यान रखें आप, आगे भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स वाला क्वेश्चन है। अब थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री के होंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें म्लेच्छ कहेंगे? तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शतपथ ब्राह्मण। अब यहाँ पर सूची वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कूट एक कूट दो से यहाँ पर मिलान करना है, यहाँ पर आप मैचिंग को देख लीजिए, हम उसको आंसर आपको बता दे रहे हैं। आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही आंसर होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा ऐसे ऐसे करके, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। अगला है, यहाँ पर अर्थशास्त्र पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है? तो यहाँ पर दो कथन है, यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, तो ये बात सही है बिल्कुल। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट सही है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला, यहाँ पर इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया था? इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा लिख करके कमेंट्स में। 29वां यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, UPSSSC लोअर में भी पूछा गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक कई कई बार पूछा गया है बिहार CDPO में, UPSSSC लोअर में, इसका आंसर लॉर्ड ड्रिपन है, इसको ध्यान रखें आप। 30वां यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन, यहाँ पर 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ता है यहाँ पर, तब यहाँ पर कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं। पहला ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहाँ पर है, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको। केंद्र स्थल सिद्धांत किसने दिया था? क्रिस्टॉलर सही है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन वेबर सही है। एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी वॉन सही है, यहाँ पर डी गलत है, ये थ्योरी दी गई थी रैलीस के द्वारा। ठीक है, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन रैली की थ्योरी थी, ना कि BJ Bury की। ठीक है, तो यहाँ पर डी सही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम रैली ने दिया था, ना कि BJ Bury ने। इफ द नियरेस्ट नेबर रेशियो ऑफ अ सेट ऑफ सेटलमेंट इज 1.74 द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। अब अगला हमको बताना है यहाँ पर कि निम्न में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ईरान होना चाहिए, ईरान या UAE में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पर ईरान का होना चाहिए, आप बताइएगा क्या हो सकता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है यहाँ पर? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा, आगे हम देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति या फिर कह सकते हैं ट्राइब की उत्पत्ति जो है ओरिजिन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में हुआ है? थारू जनजाति है, नेपाल के आसपास तराई रीजन में पाई जाती है, इसका आंसर होगा थारू जनजाति। ठीक है, जनजाति का वीडियो भी सर ने अपलोड किया है। भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की? लक्षद्वीप, इसका आंसर सही है, लक्षद्वीप यहाँ पर आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कारिक घनत्व, कारिक घनत्व बोलते हैं, ना गणितीय घनत्व बोलते हैं, ना कृषि घनत्व बोलते हैं, ना कि आर्थिक घनत्व बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कारिक घनत्व। अब अगला हमको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम प्रोडक्शन पर एकड़ यील्ड ऑफ शुगर केन? यहाँ पर इसका आंसर मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का पूछा गया है, इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। अगला, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स हैज द मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पर? तो इसका आंसर नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है तो आप बताएं। 13वें का आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। मोनोपोली किसके पास है जिप्सम प्रोडक्शन में? इसका आंसर राजस्थान होगा। नाथुला पास जो है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में, सिक्किम, इसका आंसर सही है।
16वां यहाँ पर अगस्त मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि अगस्त मलाई बायोस्फेयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया, इसका आंसर होगा केरल। थोड़ा सा तमिलनाडु में है, थोड़ा सा केरल में है, तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है, इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर सुंदरबन हो जाएगा। सुंदरबन कहाँ पर आता है, पूर्वी में आ जाता है, पश्चिम बंगाल साइड, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस काम कर सकता था। सुंदरबन डेल्टा कहाँ मिलता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास और थोड़ा सा बांग्लादेश में, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट नहीं हो सकता है। पश्चिमी घाट कहाँ पड़ेंगे, इधर हमारे वेस्ट साइड में पड़ेंगे। निम्न से कौन भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत किया था, इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, अगर आपको मिले तो आप बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है, इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील करंट। ब्राज़ील करंट यहाँ पर गर्म धारा है, ठीक है। तो कोल्ड और यहाँ पर हॉट करंट पूछ लिए जाते हैं, कोल्ड वार्म करंट हम कह सकते हैं। सबसे चौड़े महाद्वीपीय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, आर्कटिक महासागर में सबसे चौड़े महाद्वीपीय मम्र तट पाए जाते हैं, यानी कि ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा वॉन झील, वॉन लेक यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसका आंसर हो जाएगा क्यूरोशियो करंट, और इसको हम लोग जापान करंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रेड क्ले, ये वोल्केनिक ओरिजिन की होती है। लाल मृत्तिका पाई जाएगी यहाँ पर सर्वाधिक गहराई वाले भाग में, ठीक है। 25वें में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, बेंगुएला धारा, ठीक है, बेंगुएला धारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए। पेलागिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं हमको किससे, वोल्केनिक मटेरियल से, ठीक है। तो पेलागिक में वोल्केनिक मटेरियल आता है और उसी में रेड क्ले भी आती है, ठीक है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा वीनस। मंगल के होते हैं दो, फोबोस डेमोस, यूरेनस के भी होते हैं और नेपच्यून के भी होते हैं। फिलामेंट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है और इसके आगे के आंसर आपको मिल जाएंगे पार्ट नंबर सेकंड में। आप लोग ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ओनली UPPCS इसका नाम है और ओनली UPPCS इस टेलीग्राम का एड्रेस है, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो सारी PDF भी आपको यहीं पर मिलेगी और पार्ट नंबर सेकंड भी यहीं पर अपलोड होने वाला है जल्दी। हम लोग दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।